हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्रेडिंग लैब चैनल पर। दोस्तों, मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आते हैं और आजकल मैं रेगुलरली आपके कमेंट्स पढ़ने स्टार्ट भी कर दिए हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम आती है और कौन कौन से टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और आपको वो टॉपिक समझाऊं। तो उसमें से एक जो अभी कमेंट आया था, मेरे पास आया था कि इम्पल्सिव ट्रेडिंग को कैसे रोके। इम्पल्सिव ट्रेडिंग, देखिए, अगर आप इम्पल्सिव ट्रेडिंग को रोक लेंगे तो सबसे बड़ा जो है आपके लिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का एक कदम जो है वो अग्रसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इम्पल्सिव ट्रेडिंग ही एक ऐसी चीज है जो सारी चीजों को साइड कर देती है कि आप अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते, आप अपने स्ट्रैटेजी को भूल जाते हैं। इम्पल्सिव ट्रेडिंग को कैसे रोके, उसके मैं कुछ आपसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो आप फॉलो करेंगे तो इम्पल्सिव ट्रेडिंग को रोक पाएंगे। उससे पहले, अगर आपने दोस्तों ट्रेडिंग लैब का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप कर सकते हैं। ये फ्री चैनल है, इस पे आपको डेली जो है वो इंट्राडे की कॉल्स प्रोवाइड की जाती है। जैसे देखिए, अभी 18 तारीख को रिलायंस आपको वॉच लिस्ट के लिए दिया गया था। वॉच लिस्ट की कॉल्स होती हैं, फ्री चैनल है क्योंकि, तो वॉच लिस्ट की ही कॉल्स मिलती हैं इस पे 1379.50 पे। और देखिए, वो 1388-89 तक चला गया था इंट्रा डे में। तो देखिए, मैंने फिर बताया था कि पावर ऑफ पेशेंस जो है वो बहुत बड़ी चीज है इंट्रा डे ट्रेडिंग में। अगर आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, और तो ट्रेडिंग में पेशेंस इक्वल टू प्रॉफिट्स होता है दोस्तों, तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए एंड्रॉयड या आईफोन पे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहला जो रूल होता है इम्पल्सिव ट्रेडिंग को रोकने का, वो है कि आपके जो अपने कुछ रूल्स हैं, स्टॉक सिलेक्शन के हो गए या बाय और सेल के हो गए, या फिर आपकी एंट्री एग्जिट जो भी कह लें, वो सारे रूल्स आपके कुछ डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। ये क्यों होने चाहिए? क्योंकि देखिए, स्टॉक सिलेक्शन हजारों तरीके से हो सकता है। आप ओपन इंटरेस्ट से भी स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, आप टॉप गेनर लूजर से कर सकते हैं, आप इंडिकेटर बेस्ड स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, आप न्यूज बेस्ड स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टॉक सिलेक्शन हजारों तरीके से हो सकता है, लेकिन मार्केट इतनी इतनी जल्दी मूव करती है और इतना इतना सब कुछ हो रहा होता है कि आपको एक एक स्टॉक सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी को परफेक्ट करना पड़ता है। देखिए देखिए, सिंपल सी चीज है, अगर एक जगह पे हमें जाना है तो उसके मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं जाने के। तो एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करना है, उसके हजार तरीके हैं मार्केट में, हमें हजारों तरीके। हाँ, आप पढ़िए, एक एक तरीका पढ़िए कि कौन सा तरीका बेटर है, कौन सा तरीका में क्या कमियां हैं और दूसरे तरीके में क्या खूबियां हैं, ये पढ़िए। लेकिन आप एक तरीके पे अपनी मास्टरी कीजिए, अपनी पीए अपना जो बिल्कुल रिसर्च जो होती है वो एक तरीके को परफेक्ट और परफेक्ट करने में लगाइए। तो सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो आपकी ये होनी चाहिए कि आज से ही जो भी आप स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं उसके आपके पास कुछ एक स्ट्रेटेजी जो है स्टॉक सिलेक्शन की वो होनी चाहिए। देखिए, मार्केट में हजारों तरीके की स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आप स्टॉक्स, मैंने भी आपसे अपने चैनल के माध्यम से हजारों तरीके की स्ट्रैटेजीज आपसे शेयर की हैं। जैसे कि मैंने इससे पिछले वाले वीडियोस में ही मैंने आपको जो टॉप डाउन मेथोडोलॉजी होती है वो बताई थी स्टॉक सिलेक्शन की। ऐसे ही मैं आपसे, देखिए, इस चैनल में इतने तरीके से आपको शेयर करता हूँ सारी स्ट्रैटेजीज। तो लेकिन आपको एक स्ट्रैटेजी मास्टर करनी है। इम्पल्सिव ट्रेडिंग अगर आपको रोकनी है ना, तो आपको सबसे पहले तो अपने स्टॉक सिलेक्शन के रूल्स और बाय और सेल के रूल्स जो है ना वो लिखने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे। दूसरी चीज दोस्तों, ये तो हो गया आपका कि एक डॉक्यूमेंटेशन आपने कर ली। दूसरी चीज होती है कि बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं वो इम्पल्सिव ट्रेडिंग इस वजह से नहीं रोक पाते क्योंकि उनका नेचर जो है वो बहुत इम्पल्सिव होता है। देखिए, हमारा एज अ ह्यूमंस नेचर जो होता है वो बहुत इम्पल्सिव होता है। हम बहुत जल्दी कैरिड अवे हो जाते हैं किसी भी चीज में। कैरिड अवे का मतलब, देखिए, रोड पे जा रहे हैं, रोड पे चलते हुए, रोड रेज में किसी ने, देखिए, रोड पे अगर थोड़ा सा हमें देख भी लिया तो उसी में हम इतने ज्यादा एकदम गुस्सा आ जाता है। तो ये इम्पल्सिवनेस होती है किसकी, हमें ये उस बंदे ने देख कैसे लिया रोड पे चलते हुए, या फिर
ऑफिस में काम कर रहे हैं तो बॉस ने अगर हमें कुछ बोल दिया तो हमें बोल कैसे दिया, तो एकदम हमारा वो जो ना इम्पल्सिव नेचर आता है कि वापस जो एक वापस एक रिवेंज या वापस इम्पल्सिव, या फिर ये कहे कि वापस जो न्यूटन का लॉ आपने पढ़ा होगा एक्शन रिएक्शन, कि किसी ने कुछ एक्शन हमारे एक बॉल आपने दीवार पे मारी तो बॉल बाउंस करके वापस आती है, तो वो इम्पल्सिव नेचर आपको अपना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये कोई और नहीं समझाएगा। ये कोई अगर आप ये चाह रहे हैं कि कोई आपको इस नेचर को देखिए, मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं वो इम्पल्सिव जो है ना इम्पल्सिवनेस के कारण जो है वो काम खराब करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो थर्ड पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो है कि आप अपनी एक एक्सेल फाइल मेंटेन कीजिए। एक्सेल फाइल से मेरा मतलब है एक्सेल फाइल में आप लॉग बनाइए। लॉग बनाने से मेरा मतलब है कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं, ये मोस्टली ट्रेडर्स नहीं करते हैं, उनका ध्यान सिर्फ जो है ना इस पे होता है कि मुझे बस प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। नहीं, आपको एक सिस्टम जो प्रोसेस है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। प्रॉफिट आपका एक बाय प्रोडक्ट होता है। कोई भी बिजनेस, ट्रेडिंग भी बिजनेस है दोस्तों, ट्रेडिंग में भी ट्रेडिंग एक बिजनेस है, और बिजनेस में देखिए कोई भी बंदा बिजनेस कर रहा है, आप खुद देखिए, आप खुद ऑब्जर्व कीजिए चीजों को, जितना आप ऑब्जर्व करेंगे ना उतना सीखेंगे। देखिए कोई भी बंदा बिजनेस कर रहा है, कोई भी अपने प्रोडक्ट बेच रहा है, क्या उसका होल सोल जो फोकस होता है वो प्रॉफिट पे होता है? हाँ, प्रॉफिट एक पार्ट है बिजनेस का, लेकिन होल सोल जो उसका फोकस होगा वो अपने प्रोडक्ट पे होगा, वो अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाने पे होगा, उस प्रोडक्ट की अच्छी मार्केटिंग करने पे होगा, उस प्रोडक्ट को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने पे होगा, उस प्रोडक्ट की कमियों पे होगा, कमियों को दूर करना और उसकी खूबियों को लोगों को बताना, इस पे होगा। तो ट्रेडिंग में आपका प्रोडक्ट क्या है? ट्रेडिंग में आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके अपने सेटअप्स हैं ट्रेडिंग के, वो ट्रेडिंग के सेटअप्स पे फोकस होना चाहिए, उस ट्रेडिंग के प्रोसेस पे फोकस होना चाहिए, उस ट्रेडिंग की साइकोलॉजी पे फोकस होना चाहिए। और मोस्टली ट्रेडर्स का फोकस कहाँ होता है? प्रॉफिट और लॉस पे। सीधा उनका जो फोकस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस। कई ट्रेडर्स तो मैंने ऐसे देखे हैं जिन जिन्होंने मुझे बताया कि वो बाय और सेल सिर्फ प्रॉफिट्स को देख के करते हैं, कि मुझे 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर देता हूं, और वो ये उसके बाद वो देखते हैं कि वो तो मुझे देखिए वो स्टॉक तो ऐसा भागा उसके बाद कि वो 2,000 3,000 का प्रॉफिट भी हो सकता था। तो क्या आपकी जो एग्जिट थी वो थी? नहीं थी, आपने सिर्फ प्रॉफिट को देख के ग्रीडी होके एग्जिट कर दिया। और कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो फियरफुल होके उनके ट्रेड अगेंस्ट में जाता है, जैसा कि मैंने देखिए अपने पिछले कॉल में ही रिलायंस में बताया था कि थोड़ा सा भी अगर ट्रेड जो है रिट्रेसमेंट खाने लगता है कई ट्रेडर्स उसको एग्जिट कर देते हैं, उसको एग्जिट करके निकल जाते हैं। दोस्तों ये कोई मार्केट ये नहीं है कि जहां से आपने एंट्री ली वहां से बस वो जो है भागने ही लग जाएगा, और आप ये कहेंगे कि जैसे मान लीजिए 940 पे आपने एंट्री ली सेंचुरी टेक्सटाइल में, तो अगर वो 936 935 हो जाता है तो क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ये मेंटेलिटी छोड़ देनी है, ये मेंटेलिटी बिल्कुल छोड़ देनी है मार्केट में। ये इंपल्सिवनेस तभी छूटेगी जब ये मेंटेलिटी छोड़ोगे। इंपल्सिव तभी होता है इंसान जब वो इमोशनल हो जाता है, ग्रीडी हो जाता है, फियरफुल हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है मार्केट में, या फिर आप बोर हो रहे होते हैं मार्केट में, वो चीजें सब छोड़ देनी है। इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करना है अगर आपने लॉन्ग टर्म इसमें रहना है तो। अगर खेल खेल के लिए जो आए हैं वो खेल खेल करना चाहते हैं तो खेल ना, तो और भी हैं मार्केट में, और भी खेल हैं, वो खेलने में ध्यान लगाइए, लेकिन मार्केट को आप सीरियसली लीजिए, मार्केट को एज अ बिजनेस लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको लॉगिंग अपनी करनी है, जो भी ट्रेड्स अपने रूल्स को लिखना है, ये प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, पहले तो रूल्स को डॉक्यूमेंट करना है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है अपने रूल्स की, और उन उस डॉक्यूमेंटेशन को डेली देखना है। ये नहीं करना कि डॉक्यूमेंट करके वो आपकी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे कहीं भी पड़ी है, नहीं, आपको उन रूल्स को डेली देखना है, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट है। अगर कोई और ट्रेडर है मार्केट में तो उसका प्रोडक्ट मार्केट में कुछ और हो सकता है, कि उसकी स्ट्रेटेजी कुछ और हो सकती है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है? आपका प्रोडक्ट अपने रूल्स हैं, अपनी स्ट्रेटेजी है, अपने स्टॉक सिलेक्शन के रूल्स हैं, ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज डॉक्यूमेंट हो गया, उस डॉक्यूमेंट को डेली जो है देखना है, डेली समझना है। उसके बाद थर्ड जो चीज हो गई, आपको प्रॉफिट और लॉस
पे फोकस नहीं करना, अपने रूल्स पे, स्ट्रेटेजी पे फोकस करना है, उनको उनको डेली जो है ना लॉगिंग करनी है एक्सेल फाइल में। एक्सेल फाइल में देखिए, एक्सेल फाइल में आप 5-6 कॉलम्स लगते हैं, कुछ ज्यादा वो नहीं लगेगा एफर्ट। एक्सेल फाइल, वो भी मैं अगले वीडियोस में बता दूंगा कि आप ट्रेड की लॉगिंग कैसे कर सकते हैं, एक आसान शब्दों में ट्रेड की लॉगिंग, और फिर उन लॉग्स को आप मार्केट बंद होने के बाद देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, कितना मेरा, कहाँ मैंने एंट्री ली थी, कहाँ मैंने रूल तोड़ा, कहाँ क्या, ये जब ऑब्जर्व करेंगे और अपने आप को फीडबैक देंगे ना, तभी इम्पल्सिवनेस खत्म होएगी। इम्पल्सिवनेस क्या है कि आप एकदम जो है कोई स्टॉक आपको भागता हुआ दिख गया, आपने बस बाय कर दिया और उसके बाद वो वापस, वो फेक ब्रेकआउट था और उसके बाद वो नीचे गिर गया, आप पछताए कि भाई मैंने उस ब्रेकआउट को कन्फर्म होने का टाइम क्यों नहीं दिया और मैं इतना इम्पल्सिव हो गया। इम्पल्सिवनेस तभी खत्म होगी जब आप इस प्रोसेस को फॉलो धीरे धीरे करते जाएंगे ना, करते जाएंगे, और अपने जो लॉग बनेंगे उनको डेली एनालाइज करेंगे कि कहां मैंने गलती करी, कहां मैं सही था, कहां मैं गलत था, तभी कुछ हो सकता है दोस्तों। इंपल्सिवनेस तभी खत्म हो सकती है। 95% जो ट्रेडर्स हैं मार्केट में वो इसी चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये तभी खत्म होती है, इमोशंस तभी आउट होते हैं जब आप एक प्रोसेस फॉलो करते हैं और ट्रेडिंग को इमोशनल गेम ना लेके एक बिजनेस गेम लेना स्टार्ट करते हैं, और उसको एज अ बिजनेस। देखिए, सब कुछ जो है ना पर्सपेक्टिव का होता है, एक ही चीज को हजार बंदे अलग अलग तरीके से देखते हैं। कोई मार्केट को खेल के रूप में देखता है, कोई मार्केट को एक बिजनेस के रूप में देखता है, कोई मार्केट को जो है एक टाइम पास के रूप में देखता है। तो आप कैसे देख रहे हैं ये आपने डिसाइड करना है, आप ही डिसाइड करोगे इस चीज को और आप ही डिसाइड करोगे। तो दोस्तों, इम्पल्सिवनेस के मैंने कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ अच्छे जो पॉइंट्स हैं मैंने आपसे शेयर किए हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट्स। अगले वीडियोस में मैं आपको एक एक्सेल फाइल बनाना भी सिखा दूंगा कि आप ट्रेड की लॉगिंग डेली कैसे कर सकते हैं, और आप देखेंगे 1 महीना आप फॉलो करके देखिए, आपकी ट्रेडिंग बहुत इंप्रूव होएगी, बिल्कुल इंप्रूव होएगी, और आप खुद देखेंगे कि प्रैक्टिकल जो टिप्स हैं ये प्रैक्टिकल, ये कोई थ्योरेटिकल नहीं है कि जो आपको बस बता दी गई, प्रैक्टिकल है, आपको ये अप्लाई करनी है टिप्स। तो दोस्तों, ये मैंने वीडियो आपके लिए बनाया था जिसमें मैंने इम्पल्सिवनेस, मेरे पास लास्ट वीडियो में, आई थिंक लास्ट या लास्ट टू लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था मेरे व्यूअर का कि इम्पल्सिवनेस कैसे खत्म करें, स्ट्रेटेजी तो बहुत है, वो फॉलो करना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इम्पल्सिवनेस ऐसे ही खत्म होएगी प्रोसेस को फॉलो करके, रूल्स को फॉलो करके, डॉक्यूमेंट करके, ट्रेड को लॉग करके, डेली एनालाइज करके, आपका जो माइंड है ना वो ट्रेन हो जाएगा कि हाँ ऐसे ही चलना होता है, इमोशंस को साइड रख के। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और ट्रेडिंग लैब का टेलीग्राम चैनल आपकी एजुकेशन के लिए है, आपके लिए है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।